दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वेबसाइट या ब्लॉग के बैकअप के बारे में कि आखिर ये क्यों जरूरी है और इससे क्या नुकसान हो सकता है। जनरली बैकअप का मतलब तो आपको मालूम है कि बैकअप का मतलब होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक सेफ प्लेस पर रख सके और बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो उसको रिस्टोर कर सकें। इतना जानते होंगे क्यों? क्योंकि आप व्हाट्सएप चैट का बैकअप के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे, या मैसेज के बैकअप के बारे में, या ईमेल या दूसरे सर्विसेज जो है उसके बारे में ऑलरेडी कभी ना कभी कोई ना कोई सर्विस इस्तेमाल किए होंगे। और ये भी हो सकता है कि आप जैसे किसी का सेटिंग का बैकअप करते हो बाद में रिस्टोर करके देखे भी होंगे। लेकिन ये ब्लॉग का बैकअप मतलब कहाँ पे इसका ज़रूरत पड़ता है आपके दिमाग में ये आता होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आखिर आपको अगर एक ब्लॉग रन कर रहे हैं तो बैकअप रखना क्यों बहुत ज़रूरी हो गया है। देखिए, ब्लॉग बना रहे हैं मतलब एक सीरियस बिजनेस कर रहे हैं, एक करियर का ऑप्शन चुन रहे हैं, और ये चूंकि इंटरनेट पे हैं, साइबर की दुनिया में है, और साइबर की दुनिया में ये माना जाता है कि कब किस समय कैसे क्या हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। मान लीजिए कि आपने एक साल दो साल नहीं 5 साल तक जो है ब्लॉगिंग के फील्ड में आप पूरा समय दिए हैं, या मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा मेहनत 1 साल के अंदर ही किए हैं, तो 1 साल के अंदर मतलब जी तोड़ करके मेहनत किए, आपका ब्लॉग रनिंग में हो गया, मतलब पॉपुलर ब्लॉग हो गया, उससे पैसा आना शुरू हो गया, अच्छा खासा आप अर्निंग कर रहे हैं, और किसी एक ऐसे गलती के कारण, चाहे वो आप मान लीजिए टेस्टिंग कर रहे हों, मान लीजिए कि अगर आप वर्डप्रेस ब्लॉग जो रनिंग कर रहे हैं उसको अपडेट कर रहे हैं, और अपडेशन के बीच में ही कोई ऐसा टेक्निकल फॉल्ट हो गया जिस कारण से ब्लॉग न अपडेट हो पाया, मतलब कि डेवलपमेंट मोड में रहते हुए पूरा का पूरा जो ब्लॉग कहते हैं उसका एडमिन साइड से कह सकते हैं वो क्रैश हो जाए, या किसी एक बग के कारण। सबसे ज़्यादा ये होता है शेयर्ड होस्टिंग वालों के साथ कि होस्टिंग में मतलब कि जो अटैकर होते हैं ना वो टॉप लेवल पे रहते हैं और उनको एडमिनिस्ट्रेशन का साइबर सिक्योरिटी से लेकर के वेबसाइट होस्टिंग हो गया या कह सकते हैं डेटाबेस का बहुत ज़्यादा नॉलेज रहता है। अगर वो किसी एक गलती जो कि होस्टिंग वाले का गलती रहे उसके मिस्टेक के कारण पूरा होस्टिंग सिस्टम में ही घुस गया, उसका मालवेयर हो, वायरसेस हो, तो उस पे शेयर होस्टिंग में जितने भी वेबसाइट होंगे, जो भी ब्लॉग रन होंगे, जो भी रिसोर्सेस होगा सबको इन्फेक्ट कर सकता है, ऐसे में आपका ब्लॉग खत्म हो जाएगा। और अगर उसका बैकअप नहीं है तो बाद में जो भी रैंक पोजिशन पर होगा वो फिर से रैंकिंग करना पॉसिबल शायद तुरंत में नहीं होगा, बिना बैकअप का तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे में आपके लाइफ का सबसे बड़ा ट्रेजेडी ये हो सकता है, और आपको फिर उस समय समझ में आ गया यार कोई पहले बता दिया होता कि बैकअप कैसे रखा जाता है और बैकअप का वैल्यू क्या होता है। देखिए, मतलब आपको लग रहा होगा कि ब्लॉग आर्टिकल है, आर्टिकल रख लेंगे तो फिर दोबारा लिख लेंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली बात यह है कि आप ब्लॉग का आर्टिकल टॉपिक मालूम है कि आपने 100 आर्टिकल लिखा है, किस किस टॉपिक पे लिखा ये मालूम है, लेकिन जो यूआरएल जो बनता है, जो फाइनल पब्लिश करने वक्त बनता है, एग्जैक्ट यूआरएल ही तो रैंक पोजीशन में रहता है, गूगल में रहता है, जो साइट मैप में क्रिएट होता है, इंडेक्सिंग में क्रिएट होता है, और यही ब्लॉग का यूआरएल तो हर जगह शेयर रहता है। अब अगर वो उस यूआरएल में एक डॉट का भी चेंजिंग होगा तो सब कुछ बदल जाएगा और 404 एरर आना सबसे ज़्यादा शुरू हो गया, और बार बार 404 आया ऐसे में गूगल समझ जाएगा कि ये पेन जो है इंडेक्स के लाइक नहीं है और इसको साइड करें, और पूरे ब्लॉग के रैंकिंग पे इफेक्ट पड़ जाता है। ये चीज़ आपको समझ में हमेशा मतलब माइंड में सेटअप करके रखना चाहिए। अब देखिए होगा क्या कि इन केस अगर बैकअप आपके पास रहेगा और कभी कुछ गलती हो जाता है तो चूंकि पूरा फाइल है फिर से वर्डप्रेस फ्रेश इंस्टॉलेशन करिए और वो बैकअप से रिस्टोर कर लीजिए, आप टेंशन फ्री रहिए। अब आप सोचेंगे कि आखिर बैकअप किस तरह से किया जाए, है ना, आपके मन में सवाल आता होगा। देखिए, बैकअप करने के अलग अलग तरीके हैं। एक है कि आप जो होस्टिंग सर्विस लिए हुए हैं उसको ही चार्ज दे करके डेली बाय डेली बैकअप जो है उसको बनाने को कहिए, कल के डेट में कभी भी जरूरत पड़े कि आपको किसी भी कारण से तो वहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं। पहला ये हो गया। दूसरा ये है कि आप जो है अपड्राफ्ट या दूसरे सर्विसेज का बैकअप करने वाले जो सर्विसेज प्लगइन्स होते हैं उसका इस्तेमाल करके, और इसके बाद आप वहाँ पे दूसरे रिसोर्सेज जैसे कि गूगल ड्राइव हो गया या ड्रॉप बॉक्स हो गया,
ड्रॉप बॉक्स के बारे में मैंने एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाया है और जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। नहीं जानते हैं तो इसके बाद जरूर देखिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं पर्सनली इस्तेमाल तो करता ही हूँ, और कोलैबोरेशन करने के लिए, मतलब कि एक ही काम को बहुत सारे लोगों मिलकर अगर कंप्लीट करना चाहते हैं प्रोजेक्ट को, तो सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म मेरे समझ से है। इसलिए एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर 2 GB स्पेस फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिया जाता है। एनीवे, आप ड्रॉप बॉक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो जो एक हार्ड मेथड है, जो कि मैं कभी रिकमेंड जनरली करता नहीं हूँ, लेकिन एक बार जरूर आपको ये चीज़ करके रखना है, ये मैं जरूर कहूँगा, वो ये कि आप मैनुअली आप अपने होस्टिंग के फाइल मैनेजर में जाइए। फाइल मैनेजर में जाने के बाद ये आपको कब कब करना है, हर एक 6 महीना पे आप जरूर इस काम को कर लीजिएगा। फाइल मैनेजर में जाने के बाद वहाँ पर जितने भी फाइल होंगे, पूरे के पूरे जो रूट फोल्डर होता है, वो सब को एक जिप फोल्डर में कंप्रेस करके उसको डाउनलोड करके सेफ प्लेस में रख दीजिए। ठीक, इसके बाद क्या करना है कि आपको जाना है और इसके बाद डेटाबेस का एक्सपोर्ट कर लीजिए। MySQL में जा करके आप जो है PHP माई एडमिन होगा या दूसरा भी हो सकता है, मतलब आपके पीछे जो डेटाबेस काम कर रही होगी उस डेटाबेस को कंप्लीटली एक्सपोर्ट करके उस फाइल को भी रख लीजिए। हो गया। इसके बाद तीसरा काम क्या करना है कि आप अगर वर्डप्रेस ब्लॉग रन कर रहे हैं ना, तो उसके सेटिंग में जाकर ही एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन होगा, जो कि सारा का सारा आपका पोस्ट का आर्टिकल, जो भी URL लिंकिंग जो बना है, सबको एक्सपोर्ट करने की बात होगी। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आपको फाइल मैनेजर में जाकर के जो है उसको डाउनलोड करना है, रीज़न ये है कि इनकेस अगर कुछ होता है, आप मान लीजिए बैकअप बना के रखते हैं, डेटाबेस में बैकअप बना के भी रखते हैं, डेटाबेस को भी बैकअप रख लेते हैं, फिर भी जब वो पोस्ट रीस्टोर होगा तो वो मीडिया फाइल कहाँ से आएगा जो आप इमेज यूज किए होंगे। और चूंकि आज के डेट में इमेज जो है सर्च इंजन रैंकिंग में बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन रखता है, अगर वो फिर से वो मान लीजिए फाइल कह सकते हैं या मीडिया फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आपको दिक्कत होगी। बस इसी कारण से मैं चाहता हूँ, क्योंकि जो साइट में क्रिएट होता है उसमें आपके पोस्ट का URL के साथ साथ जो इमेज यूज करते हैं उस पोस्ट पे, उसका भी साइट मैप क्रिएट होता है, उस इमेज का भी लिंक जो जाता है, जो कि रैंक करता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस आज के डेट में रख रहा है। मैं पर्सनली मेरा जो पोस्ट रैंक कर रहा है उस चीज़ को मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, बड़े बड़े जो SEO एक्सपर्ट है उसके टच में हूँ, और उससे बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, वही चीज़ मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई होप आपको जो मेरा ब्लॉगिंग का कंटेंट बढ़िया लगता होगा। इसी के लिए मैंने एक डेडिकेटेड चैनल बनाया है, अजय कुमार, उसको सब्सक्राइब करके रखिए। फिलहाल बीच में फिर से जो है समय नहीं मिला, इस कारण से वीडियो वहाँ पे नहीं अपलोड कर पाया हूँ, लेकिन जरूर करूँगा, और वहाँ न करूँ तो यहाँ तो कंटिन्यू वीडियो अपलोड होते रहता है। कॉन्टेंट कैसा लगा, आपका अपना खुद का कोई ओपिनियन होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, लेकिन कॉन्टेंट बढ़िया लगा हो तो भाई लाइक तो बनता ही है और शेयर तो बनता है। मिलते हैं फ्रेश और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।